दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। हमेशा बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, तो उनको सॉल्व नहीं कर पाते आप लोग, बहुत प्रॉब्लम आती है। आज की ट्रिक के बाद आप कैसा भी क्वेश्चन हो ब्लड रिलेशन का, आप उसको 101% सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है, राम के पिता के भाई के बेटे का राम से क्या संबंध है? क्या संबंध? ये तो मैंने क्वेश्चन दिया है, मतलब एक नॉर्मली आपको सैंपल के तौर पे क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, आपको मेथड वही सेम लगाना है, मेथड बताऊंगा सर मैं यहाँ पर। तो पहली चीज याद रखिए, यहाँ पर जब भी आपका राम हो, जैसे कि राम यहाँ पर है, वो मेल हो, तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। और फीमेल हो तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जहां पर उनके बीच में आपस में रिलेशन हो, जैसे पति पत्नी हो, तो हम उनको इस तरीके से डिनोट करेंगे। और भाई हो, भाई बहन हो, तो हम उनको एक सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। पति पत्नी हो तो डबल लाइन, और अगर भाई बहन हो तो सिंगल लाइन, भाई भाई हो तो भी यहाँ पर भाई भाई हो तो दो ये बन जाएंगे सिंगल लाइन, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। राम के पिता, तो हम राम के पिता यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये राम हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके पिता, तो सपोज राम है, तो राम के पिता को हम इस तरीके से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे राम के पिता। तो राम के पिता जनरली यहाँ पर, ये देखिए राम के पिता हो गए, पिता है तो जनरली उनकी शादी हुई होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनकी माता हो। अब राम के पिता के भाई, तो पिता के भाई के लिए हम यहाँ पर एक और ये बना देंगे, तो ये भाई हो गए। और उनके बेटे का राम से क्या संबंध है? अब यहाँ पर पिता के भाई के बेटे, तो भाई की भी शादी हुई होगी तभी उनका पिता हुआ, यहाँ उनका एक बेटा दे दीजिए, ठीक है। तो राम से क्या संबंध है बेसिकली ये पूछा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संबंध जो होगा ना, ये बेसिकली इस तरीके का संबंध होगा कि मतलब वो उसका भाई है, चचेरा भाई हो सकता है या ताऊ का भाई हो सकता है। तो ये संबंध यहाँ पर आएगा। तो ये फिगर्स का यूज करके आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो, कितना भी कठिन सवाल हो, आप इसको जरूर से जरूर 101% करेक्ट करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।